तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जवान जो तबाही मचा रहा है, सिस्टम क्रैश होने को बैठा है। बिल्कुल, एक बार के लिए सर्वर क्रैश होने वाले हैं। जिस स्पीड से जवान आगे बढ़ रहा है, एडवांस बुकिंग ओपन हुए अभी 1.5 दिन ही कंप्लीट हुए हैं और इसी बीच अपने पहले 12 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ा, फिर उसके बाद फर्स्ट 20 आवर्स में जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्रिएट करा है। भाई, सेप्टेम्बर की जो शानदार शुरुआत है, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा इस फिल्म को 1000 करोड़ से ऊपर जाने में। और डे वन में ही सिर्फ हिंदी से 70 करोड़ का प्लस आंकड़ा ये जाएगा डेफिनेटली। और मूवी आज 2 दिन पूरे कंप्लीट कर जाएगी शानदार तरीके से, शानदार एडवांस बुकिंग के साथ। लेकिन आज आपको मैं 1.5 दिन के अपडेटेड, आज शाम 4 बजे तक के एडवांस बुकिंग सिनेरियो के बारे में बताऊंगा, एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, कितना कलेक्शन कर चुकी है, कितनी बुकिंग ये ले चुकी है, कितनी सीट ये टिकट बेच चुकी है और अभी 4 बजे तक कितने सोज इसको मिल चुके हैं, कहां कहां पर, कितने बड़े बड़े शहरों में। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको बता दूं तो इस बार तमिल तेलुगु से भी SR के फाड़ने वाले हैं। जो हाई रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, बाबा जहर वाला सिनेरियो चल रहा है। पठान के फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग में कलेक्शन रिकॉर्ड को सिर्फ अपने 12 घंटे के बुकिंग से ही खदेड़ दिया जवान ने, क्योंकि पठान ने अपने पहले 24 घंटे में फर्स्ट डे का बता रहा हूं 1,70,000 टिकट सोल्ड आउट करे थे और जवान ने सिर्फ अपने पहले 12 घंटे में ही, फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग की बात चल रही है, पहले 12 घंटे में ही 1,30,000 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है। इसी के साथ नेशनल चेन्स में भी पठान के रिकॉर्ड जवान तोड़ चुकी है एडवांस बुकिंग के मामले में। तो इस साल की नंबर वन ग्रॉसर द जाइंट पठान जो थी, मुझे लग रहा है अब थी ही हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एडवांस बुकिंग चल रही है और ये मूवी अभी से पठान को खदेड़ रही है। हर दिन के रिकॉर्ड पठान के जवान तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी डेफिनेटली। वाकई में दोस्तों, ये प्रूव होते दिख रहा है कि पठान तो झांकी थी, जवान अभी बाकी है और बस 5 दिन और, ये कैसे कैसा मंजर दिखाएगी आगे पता लगने वाला है आप सभी को। बाय गॉड। इसी के साथ दोस्तों, फर्स्ट 24 आवर्स में जवान ने 3,00,000+ टिकट बेच दिए थे। इट्स ए ह्यूज नंबर। आज तक बॉलीवुड की कोई मूवी फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग में इतने ज्यादा टिकट नहीं बेच पाई है। इसी के साथ 1.5 लाख टिकट सिर्फ नेशनल चेन से बेचे थे और 10 करोड़ रुपए+ का एडवांस कलेक्शन जवान कर चुकी थी अपने पहले 24 घंटे में, 3,00,000 टिकट बेचकर अपने पहले 24 घंटे में ही। वाकई में दोस्तों, तबाही मचने वाली है, क्योंकि 10 करोड़ की फर्स्ट डे ओपनिंग नहीं होती है किसी भी बॉलीवुड फिल्म की और यहां जवान ने सिर्फ फर्स्ट डे कलेक्शन रिकॉर्ड से ही 10 करोड़+ का आंकड़ा अपने खाते में रख लिया है। इसी के साथ मैं दोबारा से कह रहा हूं, सिर्फ हिंदी कलेक्शन से यह मूवी इस बार 70 करोड़+ का आंकड़ा जाएगा फर्स्ट डे ओपनिंग में ही। और मैं अगर आपको अपडेटेड बुकिंग बताऊं तो आज शाम 4 बजे तक की बुकिंग बताऊं तो कहां कहां बुकिंग चालू हो गई है, कितने सोच, कौन सी जगह जवान को मिल चुके हैं, उसके पास हैं। जी दोस्तों, 1.5 दिन में अभी तक आज शाम 4 बजे तक दिल्ली NCR के अंदर 800 सोच जवान को मिल चुके हैं। अब कितने फिल हैं, कितने नहीं हैं, इतने झंझट में नहीं पड़ेंगे, सोच इतने मिल चुके हैं, जवान बवाल मचा रही है ये हम सबको पता ही है। तो डेफिनेटली ये सारे सोच कुछ ही घंटों में या फिर 1-2 दिन में फुल हो ही जाएंगे। उसके बाद मुंबई की बात अगर करूँ तो मुंबई में 726 सोच जवान को मिल चुके हैं। इसी के साथ पुणे की बात करें तो पुणे में 280 सोच मिल चुके हैं जवान को और हैदराबाद की तो बात ही अलग चल रही है। हैदराबाद में जो बवाल मचा पड़ा है, सबसे ज्यादा हाई रिस्पॉन्स यहीं से देखने को मिल रहा है इस बार SRK को। यहां से इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं SRK इस बार, जो अभी तक कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी वो जवान कर चुकी है इनकी। भाई साहब, हैदराबाद से 200 सोच जवान को मिल चुके हैं। इसके बाद कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 220 सोच मिल चुके हैं जवान को। और इसी के साथ बात अगर चेन्नई की करें तो चेन्नई में 85 सोच हैं जवान के पास। भाई साहब, साउथ में अब जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जो बिग इवेंट किया था ना चेन्नई में, उसका बूस्टर मिल रहा है जवान को अब SRK को। बाय गॉड। इसी के साथ बात अगर लखनऊ की करें तो लखनऊ में 148 सोच मिल चुके हैं जवान को। तो अगर टोटल मैं बताऊं तो कितने सोच जवान के पास हैं, अगर मैं टोटल बताऊं अभी आज शाम 4 बजे तक कि जवान के पास कितने सोच हैं, तो टोटल 47 सोच मिल चुके हैं पूरे भारत में। और भी छोटी मोटी जगह बुकिंग चल रही है पर वहां के आंकड़े मुझे लगाने की शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बिग सिटीज हैं और यहां पर सभी लोगों को जानने में इंटरेस्ट रहता है। तो तबाही का मंजर पीक पर है, तबाही ट्रेंडिंग पर चल रही है। बाय गॉड। इसी के साथ बात अगर एडवांस बुकिंग की और एडवांस कलेक्शन की करें आज शाम 4 बजे तक की, बिल्कुल अपडेटेड एडवांस बुकिंग की बताऊं तो हिंदी से जवान 10 करोड़ रुपए का एडवांस कलेक्शन कर चुकी है और 3,15,000 टिकट जवान आज शाम 4 बजे तक बेच चुकी है सिर्फ
हिंदी से इन द एवरेज प्राइस ऑफ 280 to 290 रुपीज। इसी के साथ तमिल से अगर बताऊं तो भाई साहब पहली बार एसआर के साउथ में तबाही मचा रहे हैं, साउथ में बाय गॉड, खासकर चेन्नई में जो प्रमोशन चला है उसका फुल फायदा मिल रहा है। तो इसी के साथ बात अगर तमिल की करें तो तमिल लैंग्वेज से 6.60 लाख रुपीज का एडवांस कलेक्शन ये कर चुकी है और 4,080 टिकट ये बेच चुकी है इन द तमिल लैंग्वेज। इसी के साथ तेलुगु से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इस बार तेलुगु से 2.85 लाख का एडवांस कलेक्शन कर चुकी है और 1,630 टिकट ये बेच चुकी है। ये सारी अपडेटेड रिपोर्ट आज शाम 4 बजे तक की है, सिर्फ 1.5 दिन का एडवांस बुकिंग सिनेरियो का डेटा है ये सब। और जब तक आप शायद ये वीडियो देख रहे होंगे ये सारे आंकड़े डबल या ट्रिपल हो चुके होंगे, क्योंकि बुकिंग जो है हाई पीक पर चल रही है, फुल ट्रेंडिंग पर चल रही है, बहुत तेजी से बुकिंग चल रही है। बिल्कुल जवान हिस्टोरिकल मोमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों को भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो चाहिए तो बुकिंग तो अभी चालू है तो आप भी बुकिंग करिए। दूसरा, क्या जवान फर्स्ट डे सिर्फ हिंदी से 70 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, ये आप लोग बताएंगे। और टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या 1500 करोड़ के ऊपर जा पाएगा इस बार जवान का, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।